सांप का आतंक सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों को भी होता है। आखिर ये जहरीले सांप होते ही इतने खतरनाक है कि इन्हें देखकर किसी के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जो दिखने में तो काफी डरावने लगते हैं, लेकिन इनमें जहर नहीं होता, है ना अमेजिंग बात। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सांपों के बारे में बताएंगे जो नॉन वेनमस होते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स। दुनिया में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है जिनमें से कुछ तो बेहद खतरनाक होती है। ऐसे सांप अगर एक बार किसी को काट ले तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कुछ साइज के मामले में तो कुछ शिकार के मामले में बेहद डेंजरस होते हैं। एनाकोंडा और पायथन जैसे सांप तो बड़े से बड़े जानवरों को, यहाँ तक कि इंसानों को भी निगल सकते हैं। लेकिन सांप को लेकर सबसे बड़ा खतरा उसका जहर होता है। किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे सांपों का जहर तो इतना खतरनाक होता है कि इनके काटने पर मौत तय है। इंडिया सहित दुनिया की कई कंट्रीज में हर साल सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सांपों के बारे में जानेंगे जिनमें जहर नहीं पाया जाता, यानी दिखने में तो ये खतरनाक लगते हैं लेकिन ये सांप जहरीले नहीं होते। ऐसे सांपों में एनाकोंडा, पायथन, मिल्क स्नेक, ब्लैक रैट स्नेक, नॉर्दर्न वाटर स्नेक के अलावा भी कई सांप है जो की नॉन वेनमस होते हैं। तो चलिए आज आपको ऐसे 10 स्नेक्स के बारे में डिटेल्स में बताते हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नंबर 1, एनाकोंडा। स्नेक्स की प्रजाति में एनाकोंडा दुनिया का मोस्ट लार्जेस्ट एंड हेवी स्नेक है जो कि साइज में एक स्कूल बस के बराबर होता है। जी हाँ, इसकी लंबाई 25 से 30 फीट तक होती है। वही इसका वजन लगभग 230 किलो तक होता है, यानी जंगल का राजा कोई भी हो लेकिन राज सिर्फ इसका ही चलता है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मेनली एनाकोंडास 4 तरह के होते हैं जिनमें ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलीवियन एनाकोंडा का नाम शामिल है। इनमें से ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया का मोस्ट लार्जेस्ट स्पीशीज माना जाता है जिसकी सारी प्रजातियां नॉन वेनमस होती है। हालांकि ये जहरीले नहीं होते लेकिन ये अपने शिकार को पैथन की तरह ही जकड़ कर मार देते हैं और उसे निगल भी लेते हैं। ये ज्यादातर वाइल्ड पिग्स, टर्टल्स, फिश और केमल्स को अपना शिकार बनाते हैं। एनाकोंडा इतने खतरनाक होते हैं कि खतरा महसूस होने पर ये पूरे के पूरे इंसान को एक बार में ही निकल सकते हैं। नंबर 2, पायथन। एनाकोंडा की तरह ही पायथन्स भी दुनिया के पावरफुल स्नेक में से एक माने जाते हैं। दुनिया में पायथन्स के करीब 26 प्रजातियां पाई जाती है जो कि अफ्रीका और एशिया के जंगलों और डेजर्ट्स वाले इलाकों में पाए जाते हैं। सांपों की प्रजाति में पायथन्स को इंसान पर हमला करने के लिए जाना जाता है। ऐसे कई मामले देखे जा चुके हैं जिसमें पैथन ने इंसानों पर हमला किया हो। जानवरों के साथ साथ ये इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक साबित होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पैथन्स का आतंक रहता है। पैथन्स की कुछ खतरनाक प्रजातियां भी होती है जैसे दी अफ्रीकन पैथन्स, इंडियन पैथन्स, बर्मीज पैथन्स और एमेथाइस्टीन पैथन्स। नॉन वेनमस होने की वजह से कुछ लोग तो इसे अपने घर में पेट बनाकर भी रखते हैं। अब इस अजीब दुनिया में अजीबोगरीब लोग भी तो पाए जाते हैं जिनके शौक भी काफी अजीब होते हैं। इनमें से द बॉल पैथन दुनिया भर में पेट के लिए फेमस है। पैथन्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि ये अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कहा जाता है कि ऐसा ये शिकारी से बचने और शिकार पर छुपकर अटैक करने के लिए करते हैं। ये अपने शिकार को तब तक जकड़ कर रखते हैं जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। ये ज्यादातर वाइल्ड पिग्स, डियर, माइस और स्मॉल मैमल्स जैसे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। यानी ये जहरीले नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं कि ये खतरनाक भी नहीं होते। नंबर 3, मिल्क स्नेक। आपने ब्यूटीफुल बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, अब आपको रेप्टाइल्स की दुनिया के खूबसूरत सांपों से मिलवाते हैं जो नॉन वेनमस होते हैं। जी हाँ, इस सांप का नाम है मिल्क स्नेक। इसके बॉडी पर पाए जाने वाले निशान ही इससे अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये काफी कलरफुल होता है। वही इसके शरीर पर रेड, ऑरेंज, येलो और व्हाइट कलर का अमेजिंग कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके बारे में एक और खास बात ये है कि नॉन वेनमस मिल्क स्नेक और वेनमस कोरल स्नेक का कलर पैटर्न इतना मिलता जुलता है कि इन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। मिल्क स्नेक इंसानों के लिए हार्मलेस होते हैं जो कि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूएस और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में भी ये पाए जाते हैं।
ये स्लग्स, अर्थ वॉर्म्स और इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 4, ब्लैक रैट स्नेक। ब्लैक रैट स्नेक नॉर्थ अमेरिका में आमतौर पर पाए जाते हैं और ये नॉन वेनमस भी होते हैं, जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं। इनका एवरेज साइज 4 से 6 फीट तक होता है। ये आमतौर पर रॉकी और वुडेड हिल साइट्स के साथ साथ खुले मैदानों में भी पाए जाते हैं। अगर जरा भी खतरा महसूस हुआ तो ये बेहद अग्रेसिव हो जाते हैं। गुस्से में रैटल स्नेक की तरह अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाते हैं। ब्लैक रैट स्नेक की अच्छी बात ये है कि ये जहरीले नहीं होते हैं। साथ ही ये खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स, एनिमल्स और छोटे रेप्टाइल्स को ही अपना शिकार बनाते हैं, जिसमें रैबिट्स, स्मॉल बर्ड्स और लिजर्ड्स शामिल है। यानी इकोनॉमिकली भी ये स्नेक्स काफी फायदेमंद होते हैं। नंबर 5, बुल स्नेक। आगे आपको हम जिस स्नेक के बारे में बताने वाले हैं, ये भी फार्मर के लिए फायदेमंद होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये भाई साहब खेतों में रहकर क्रॉप डिस्ट्रॉइंग रोडेंट्स को खाते हैं, इसीलिए ये फार्मर्स के प्यारे दुलारे होते हैं। बुल स्नेक लार्ज नॉन वेनमस स्नेक होते हैं, जो कि 40 से 72 इंच तक लंबे होते हैं। ये ज्यादातर साउथ वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न मेक्सिको और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिन्हें गोफर स्नेक्स भी कहा जाता है। हालांकि ये जहरीले नहीं होते हैं, इसी वजह से ये इंसानों के लिए हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब करता है तो ये गुस्से से लाल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें छेड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। नंबर 6, रफ ग्रीन स्नेक। रफ ग्रीन स्नेक को इसके कलर की वजह से ग्रास ग्रीन स्नेक भी कहा जाता है। ये नॉन वेनमस स्नेक साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के इलाकों में पाए जाते हैं और ज्यादातर खुले जंगलों और वुडलैंड्स में ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ग्रीन कलर का होता है, वही निचला हिस्सा येलो कलर का। इसी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये जंगल में घास में पूरी तरह से ढल जाते हैं। यानी आप कभी भी इन इलाकों में जाते हैं तो इस बहरूपीय का खास ख्याल रखिएगा। हालांकि ये जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सांपों से डर लगता है तो ये आपका मूड तो जरूर बिगाड़ सकता है। अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये काफी लंबे और पतले होते हैं, जो कि साइज में लगभग 45 इंच तक लंबे होते हैं। ये ज्यादातर पेड़ों के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, जो क्रिकेट्स, ग्रास हॉपर्स, स्मॉल फ्रॉग्स और स्पाइडर्स को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 7, एमरल्ड ट्री बोआ। इस सांप का नाम है एमरल्ड ट्री बोआस, जो कि दिखने में ग्रीन ट्री पाइथन के जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एमरल्ड ट्री बोआस की अपीयरेंस की बात करें तो ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, जो दिखने में काफी ब्यूटीफुल लगते हैं, जिन्हें ग्रीन ट्री बोआस और एमरल्ड बोआ के नाम से भी जाना जाता है। ये 1.5 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। खास बात ये है कि इनके मुंह में लंबे दांत पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे नॉन वेनमस स्नेक से बिल्कुल अलग होते हैं। हालांकि ये ज्यादातर पेड़ों पर ही पाए जाते हैं और इनकी पावरफुल बॉडी और पूंछ इन्हें पेड़ों पर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक आने जाने में मदद करती है। अगर इनके शिकार की बात करें तो ये एम्फीबियंस, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स और स्मॉल रेप्टाइल्स को खाना पसंद करते हैं। नंबर 8, ईस्टर्न गार्टर स्नेक। ईस्टर्न गार्टर स्नेक्स नॉर्थ अमेरिका के घास वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन कोई इन्हें डिस्टर्ब करे ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इतना ही नहीं, ये अपने शिकारी से बचने के लिए उस पर अपने ग्लैंड से फाउल स्मेल छोड़ते हैं, जिससे अक्सर इंसान या कोई शिकारी जानवर डर के मारे इनसे दूर ही रहते हैं। इस तरह से ये अपनी जान बचाते हैं। एक अडल्ट ईस्टर्न गार्टर स्नेक की लंबाई लगभग 26 इंचेस तक होती है, जो कि डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर के होते हैं। इनकी बॉडी पर 3 येलो स्ट्राइप्स भी होती है। इस लुक में ये आपको डरावने लग सकते हैं, लेकिन इनमें भी जहर नहीं पाया जाता। नंबर 9, फोर लाइन स्नेक। नॉन वेनमस स्नेक्स की लिस्ट में अब बारी है फोर लाइन स्नेक्स की। यूरोप में पाए जाने वाले रैट स्नेक्स की प्रजाति में ये सबसे बड़े नॉन वेनमस स्नेक है। इसकी येलोइश ब्राउन बॉडी पर पाई जाने वाली डार्क स्ट्राइप्स की वजह से ही इनका नाम फोर लाइन स्नेक पड़ा है। इस प्रजाति की एक एडल्ट स्नेक की लंबाई 1.8 मीटर तक होती है। ये स्नेक ज्यादातर इटली, स्लोवेनिया और ग्रीस के इलाकों में पाए जाते हैं। माइस, लिजर्ड्स और रैट्स जैसे क्रिएचर्स इनके शिकार बनते हैं। नंबर 10, नदर्न वाटर स्नेक। अब हम बात करने वाले हैं नदर्न वाटर स्नेक्स के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये प्रजाति रिवर्स, पॉन्ड्स, मार्शेस, लेक्स और बॉक्स में ही रहना पसंद करते हैं।
ब्राउन और ग्रे कलर के इस नॉन वेनमस स्नेक्स का लुक रैटल स्नेक के साथ काफी मैच करता है, जिसकी वजह से इसे पहचानने में कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उसे जहरीला समझकर मार देते हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ नॉन वेनमस स्नेक्स, जिसके बारे में हमने आपके साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।